पन्ना राय नामक एक बहुत बड़े और मशहूर चित्रकार देश के नामी गिरामी राजा महाराजाओं के चित्र लेकर कन्नौज पहुंचे। वहां पर इन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। इन चित्रों में पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी शामिल था। राज्य की स्त्रियों और पुरुषों की लाइन लगी हुई थी। सभी को पृथ्वीराज चौहान बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लगे। हर कोई पृथ्वीराज चौहान के चित्र की तारीफ कर रहा था। जब सहेलियों के द्वारा यह खबर कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगता तक पहुंची तो वह भी चित्र को देखने के लिए ललायित हो उठी। संयोगता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र को देखने के लिए पहुंची। जब उसने उस चित्र को देखा तो देखती रह गई और उसमें खो गई। संयोगता की नज़र नहीं हट रही थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। केवल चित्र देखकर संयोगता ने अपना दिल पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। उसने मन बना लिया कि अब वह शादी करेगी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करेगी। यहीं से पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे। एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंद्वी होने की वजह से शायद यह प्रेम पूरा न हो पाए, ऐसा विचार संयोगता के मन में भी था। लेकिन कहते हैं कि जब हम किसी को दिलोजान से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। जल्द ही संयोगता के मन में एक विचार आया और उन्होंने चित्रकार पन्ना राय को बुलाया और स्वयं का चित्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। सुंदर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध चित्रकार ने राजकुमारी संयोगता का बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया और दिल्ली जाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखलाया। पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगता की खूबसूरती और यौवन को देखकर मोहित हो गए। जिस तरह राजकुमारी संयोगता ने पहली ही नज़र में पृथ्वीराज चौहान को दिल दे दिया, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान भी दिल हार बैठे। राजकुमारी संयोगता द्वारा चलाया गया तीर निशाने पर जा लगा। जो आग संयोगता के दिल में थी, वही आग अब पृथ्वीराज चौहान के दिल में भी लग गई। एक दूसरे को देखने के लिए तड़प उठे। परवान चढ़ रहे प्रेम के बारे में जब कन्नौज के राजा जयचंद को पता चला तो वह आग बबूला हो उठे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान कतई पसंद नहीं था, और तो और वह पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते थे। साथ ही पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी के दुश्मन भी। उन्होंने राजकुमारी संयोगता को बुलाया और कहा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। राजकुमारी संयोगता ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह पृथ्वीराज चौहान को बहुत पसंद करती है और उसी से शादी करेगी। राजा जयचंद को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी के रंग में भंग डालने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार राजकुमारी संयोगता के स्वयंवर की घोषणा की। आसपास और दूर दराज के सभी राजा महाराजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को सूचना नहीं दी। धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में फैल गई। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान के कानों में पड़ी तो वह अपने सैनिक के साथ कन्नौज की तरफ निकल पड़े। यही वह समय था जब पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी परवान चढ़ने जा रही थी। स्वयंवर का दिन था। राजकुमारी संयोगता ने किसी दूसरे राजकुमार की तरफ देखा तक नहीं और वहां पर लगी हुई पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर को वरमाला पहना दी। यह देखकर सभी राजा बहुत क्रोधित हुए। संयोगता के पिता राजा जयचंद को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी वहां पर पृथ्वीराज चौहान आ पहुंचे। राजकुमारी संयोगता ने वरमाला पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दी। पृथ्वीराज चौहान संयोगता को अपने साथ लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के पश्चात हिंदू रीति रिवाज एवं संस्कृति के अनुसार उन्होंने विवाह किया। राजा जयचंद पहले से ही पृथ्वीराज चौहान से जलते थे और इस शादी के बाद वह पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन बन गए। एक कहावत है, दुश्मन के दुश्मन भाई भाई। मोहम्मद गौरी जिन्हें पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार धूल चटा चुके थे और राजा जयचंद एक हो गए। राजा जयचंद ने अपनी पूरी सेना मोहम्मद गौरी के पास भेज दी और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए आग्रह किया। आज भी हमारे देश में एक कहावत प्रचलित है, जब भी कोई गद्दारी करता है या नमक हरामी करता है या फिर अपने घर परिवार का कोई व्यक्ति दुश्मनों के साथ खड़ा होता है तो उसे जयचंद कहा जाता है। इस कहावत की शुरुआत यहीं से हुई थी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंधक बना लिया गया। मोहम्मद गौरी युद्ध में हुई हार का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। इतना ही नहीं, कई अमानवीय यातनाएं भी दी जिसका नाम सुनते ही रू कांप उठे। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी की वजह से पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन एक हो गए। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके बचपन का दोस्त और राजकवि चंद बरदाई भी था। चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बांध चलाने में माहिर हैं। पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड देने से पहले मोहम्मद गौरी ने सोचा कि क्यों न पृथ्वीराज चौहान के इस योग्यता को परखा जाए। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को पहले ही बता दिया था कि मैं एक श्लोक के माध्यम से मोहम्मद गौरी की लोकेशन बताऊंगा और आप उस पर तीर चला देना। फिर क्या था, वह दिन आ गया। मोहम्मद गौरी थोड़ा ऊपर की ओर बैठा था।
उसके दरबार में पृथ्वीराज चौहान को लाया गया और उनके हाथ में तीर कमान दी गई। चंद बरदाई ने अश्लोक बोला, चार बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्छू को चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान के कमान से तीर निकला और सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा। मोहम्मद गौरी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनों के हाथों मरने की बजाय एक दूसरे को मार दिया। जब यह खबर संयोक्ता के कानों में पड़ी तो वह व्याकुल हो गई, रोने लगी, बिलखने लगी, पूरी तरह से टूट गई। दूसरा खतरा यह था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, वह राजकुमारी संयोक्ता और अन्य स्त्रियों को पाना चाहता था, इसीलिए उसने किले पर आक्रमण किए इससे पहले कि संयोक्ता और अन्य स्त्रियों ने कुंड में आग लगाकर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया।